अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। अब जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान, वहीं हरियाणा में 1 चरण में मतदान होना है और उसको लेकर अब आगे की जो तैयारी है, जो प्रक्रिया है, वो सुचारू रूप से बढ़ाई जाएगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। इंतजार यही किया जा रहा था कि कब इन दोनों राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, और ऐसे में वो इंतजार अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जहां पर जम्मू कश्मीर में 3 फेज में मतदान होना है और पहले चरण का जो आगाज है वो भी जल्द ही जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। साथ ही हरियाणा में 1 ही फेज 1 ही चरण में मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे सबके सामने होंगे। अब इस बीच 2019 का जिक्र किया जाए तो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी 40 सीटों पर सिमटी थी, ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो हरियाणा में उभर कर सामने आई थी, जिसके बाद कांग्रेस फिर जेजेपी नजर आई। लेकिन अभी से तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं, अब चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अभी से वही सारी पार्टियां अब यहां पर कमर कसती हुई नजर आने वाली है। हालांकि पहले से ही कई तरह की जो तैयारी है उनकी तस्वीरें देखने को मिल पा रही थी। इसी बीच जम्मू कश्मीर का जिक्र किया जाए तो जम्मू कश्मीर में 2014 में आखिरी बार चुनाव हुआ था विधानसभा का, जिसके बाद से लगातार ये मांग उठ रही थी कि विधानसभा चुनाव होगा तो अलग राज्य का दर्जा यहां पर दिया जाएगा, और उसके बाद अब वो स्थिति वही परिस्थिति यहां पर बनती हुई नजर आई, जहां जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से 3 फेज में मतदान होने जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से मेरे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मोहम्मद मुकर्रम, आपका रुख करते हुए, जम्मू कश्मीर में 3 फेज में मतदान होना है, इसको लेकर हम सुबह से लगातार डिस्कशन भी कर रहे थे कि कितनी बड़ी चुनौती होगी। अब 3 चरणों में इसका ऐलान हो चुका है, अब क्या तैयारी, ऐसी प्रक्रिया जो सुचारू रूप से आगे बढ़ानी है? जी, सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त जो वो ब्रेकिंग और सुबह से भी हम चला रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अब 3 फेज को फाइनली वो लम्हा आ गया कि 3 फेजों में इलेक्शन होने वाला है। जो फर्स्ट फेज है 18 सितंबर, 19 सितंबर और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, यानी कि 3 फेजों में, जो कि इसके पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन में 5 फेजों में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, जो हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में हालात कैसे रख लिए, सिक्योरिटी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कि 3 ही फेजों में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना, यह एक इंपॉर्टेंट बात है और सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, और यहां पे सियासतदानों के लिए भी और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये मिली है और सिक्योरिटी फोर्सेज को यह हिदायत मिली है कि जिन पॉलिटिकल लीडर्स को सिक्योरिटी छीनी गई है उनको बराबर का सिक्योरिटी दी जाए। और कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं असेंबली के, और लोगों को अब मौका और ये मिलेगा कि अपनी चुनाव, अपनी सरकार, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स उनको चुनने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के आवाम आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक राहत की सांस सबसे बड़ी जो इनको 10 साल में अटकी हुई थी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव जिसके पास वो फरियाद लेके जाते, अपने मसाइल लेके जाते। और तो मोहम्मद मुकर्रम, देखिए इसमें तमाम वो मुद्दे जो लगातार धरातल पर उठते हुए नजर आए हैं, धारा 370 रहा, राज्य का दर्जा रहा, लद्दाख की वापसी, आतंकवाद और सुरक्षा, ये 5 वो महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर लगातार कोशिश ये की जा रही थी कम से कम इन तमाम मुद्दों को लेकर किसी तरह की कोई राजनीति ना हो। लेकिन इस बीच धरातल पर समझने की कोशिश करें, वो कौन कौन से और प्रमुख एजेंडे या मुद्दे हो जाते हैं जो कई राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार के दौरान गिनाती हुई नजर आएगी? जी, नहीं तो अगर हम बात करेंगे जो 370 का मसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज किया है, उसने उसको दफा किया है, और साथ ही साथ पार्लियामेंट में भी ये होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी ये वादा किया है कि स्टेटहुड वापस मिल सके और स्टेटहुड हम जम्मू कश्मीर का दर्जा वापस देंगे। लेकिन जो रीजनल पॉलिटिक्स अब स्टार्ट होगी, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से होगी, क्योंकि जो सेना इतने मारे दिए गए हैं, जिनकी शहादत हुई है जम्मू कश्मीर में, लगभग पिछले 2 सालों से 50 और 60 के करीब सेना मार दी गई। एक मुद्दा वो है सिक्योरिटी के हवाले को लेकर, क्योंकि न्यू दिल्ली एक से क्लेम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सिचुएशन सब नॉर्मल है, लेकिन दूसरी तरफ से यहां हमारे जवान अपनी शहादत देते हैं, उन पे एम्बुश अटैक होके जो पीर पंजाल रेंज और कश्मीर घाटी में मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं। नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 डेवलपमेंट, और ये 3 चीजें मुद्दे जो है महत्वपूर्ण हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की रहेगी, जो जिन्होंने अपने एक्ट के जरिए भी बयान किया है। और साथ ही साथ चुनाव के आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही साथ पहले ही सारे डिपार्टमेंटों में ट्रांसफर किया
दी गई है, जो कि चाहे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन हो, सिक्योरिटी हो, पुलिस हो या कोई और भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको ट्रांसफर अफसर आला अफसरों को और पुलिस के एहलकारों को ट्रांसफर की गई है। और साथ ही साथ इसके बड़े जम्मू कश्मीर को अब नया पुलिस चीफ भी मिलने वाला है, स्पेशल डीजी जो कि डायरेक्टर एनर्जी का है वो भी मिलने वाला है, और सीआईडी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है सीआईडी उसका भी डीजी अब चेंज हुआ है, उसका भी यानी कि इंटेल एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ भी दोनों नए आए हैं। और साथ ही साथ इलेक्शन का भाई ये अब बिगुल बजने स्टार्ट हुआ और बिल्कुल, और मोहम्मद मुकर्रम में चाहूंगी जरा इस पर भी आप नजर बनाए कि किस तरह से अब चीजें यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों पर जब वोटिंग होगी तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से निष्पक्ष तैयारी की जाएगी, लेकिन वो कौन कौन से अति संवेदनशील इलाके हैं जहां पर खतरा बहुत ज्यादा मंडरा जाता है और वहां पर विशेष नजर फिलहाल चुनाव आयोग की देखने को मिल पाएगी सुरक्षा की दृष्टि में? जी, अगर हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपनी ये भी जिक्र की थी कि जम्मू कश्मीर जो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन है वो सेंसिटिव पुलिस स्टेशन है, चाहे पीर पंजाल की हम बात करेंगे, कश्मीर घाटी की बात करेंगे या नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, हर कोई सेंसिटिव पोलिंग बूथ है खासतौर पर करार दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब तक इनको इत्मीनान ना दिया है तब तक ये 3 फेजों में इतना बड़ा इलेक्शन 90 सीटों के लिए नहीं करवाती, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज को सराहना देनी होगी कि इन 90 सीटों पे 3 ही फेजेस में इलेक्शन करवाना तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन सेंसिटिव की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में अक्सर पोलिंग स्टेशन जो है वो सेंसिटिव माना जाता है, अगर हम बात करेंगे पीर पंजाल रेंज की जिसमें पूंछ, रजौरी, कुठवा, डोडा या रियासी या किश्तवाड़ या अनंतनाग या नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा, हंदवारा, जहां पे एम्बुश अटैक्स होते हैं और जहां पे हमने अपने जवान खो बैठे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी क्या जवानों पे पॉलिटिक्स होगी या लोकल मुद्दों पे स्टार्ट पॉलिटिक्स होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि रीजनल पार्टीज अपने मैनिफेस्टोस में क्या क्या काम रखेंगे और क्या क्या प्रायोरिटीज रखेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जिन्होंने इंडिया ब्लॉक का जो हिस्सा था उन्होंने फारूक अब्दुल्ला ने यह ऐलान किया कि वो जम्मू कश्मीर में अलग अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे हिस्सा लेगी, मीन्स की इंडिया ब्लॉक। बिल्कुल मोहम्मद मुकर्रम, देखिए जिसका इंतजार था आखिरकार वो इंतजार खत्म हो चुका है और अब ऐसे में हर किसी की नजरें टिकी हुई है प्रचार प्रसार को लेकर, तमाम जो राजनीतिक पार्टी है वो किस तरह से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती है और अपने वोट बैंक को जनाधार को मजबूत करती है। लौटूंगी मोहम्मद मुकर्रम मैं आपके पास सीधा सेकंड स्टूडियो का रुख करते हैं जहां मेरी सहयोगी वर्षा भी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। वर्षा, ओवर टू यू। बिल्कुल ऋतु, क्योंकि जिस तरह से आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, 2 राज्यों में चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, जहां पर एक चरण में हरियाणा में चुनाव होंगे तो वहीं जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। अति संवेदनशील ये इलाका माना जाता है, इसी वजह से यहां पर 3 चरणों में चुनाव कराने का जो ऐलान किया गया जिसमें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। तो इसमें आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि इस बार जम्मू कश्मीर की जो जनता है उन्होंने बायकॉट और की जगह पर वोटिंग को चुना है, यह एक बड़ी खुशी की बात है। तो वहीं इस बार का जो मतदान केंद्र है वो काफी खास होने वाला है क्योंकि डल झील पर तैरते हुए मतदान केंद्र इस बार चुनाव आयोग बनाने वाला है। लगातार चुनाव आयोग की तरफ से यह कोशिश की जाती है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो और ऐसे में यह बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि ऋतु इस समय जम्मू कश्मीर जो है वो एक अति संवेदनशील इलाका है जहां पर चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। तो वहीं इसमें आपको बता दें कि कुल 90 सीटें हैं जिस पर चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में। 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे जहां पर 87 सीटों पर चुनाव हुए, लेकिन परिसीमन के बाद इसमें 3 सीटें और बढ़ा दी गई और उसके बाद अब 90 सीटों पर चुनाव होगा। और मोहम्मद मुकर्रम, और मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं श्रीनगर से। मोहम्मद, चुनाव आयोग ने 3 चरणों में फैसला लिया है कि यहां पर चुनाव होंगे। हम जानते हैं कि तंग घाटियां हैं, अति संवेदनशील आतंकवाद का ये इलाका, लेकिन पीओके की भी जो है वो सीटें यहां पर रिजर्व रखी गई हैं, जाहिर तौर पर वहां चुनाव नहीं होगा। अब जो 90 सीटें हैं परिसीमन के बाद आखिर किस तरह से यहां पर परिवर्तन हमें देखने को मिला है?
जी अगर हम बात करेंगे जो 87 सीट्स थी जम्मू कश्मीर की, पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन जो बनी थी 2019 में और 2022 में जो डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आया था उन्होंने 3 सीटें हुरा दी और उसमें 90 सीटें जम्मू कश्मीर के खास तौर पर रखी है और बाकी जो सीटें हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो रिजर्व है उनके लिए भी रखी है। और साथ से सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है इसमें SP यानी कि शेड्यूल ट्राइब और SP के लिए 7 और 6 सीटें रखी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे 3 फेजों में इलेक्शन किया गया करने जा रहे हैं तो उनमें फर्स्ट फेज में जो है पुलवामा, अनंतनाग, शोपियन, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा यानी पीर पंजाल का आधा रेंज जिसमें किश्तवाड़, डोडा, रामबन आता है जो कि चिनाब वैली है और उसमें अनंतनाग, शोपियन, कुलगाम यानी कि एक फेज में फर्स्ट फेज में ये। दूसरा फेज जो है 25 सितंबर उसमें गांधरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पूंछ, रियासी, रजौरी यानी कि सेंट्रल कश्मीर को और पीर पंजाल रेंज के जो मुख्तलिफ इलाके हैं रियासी और रजौरी वहां पे भी दूसरा फेज रखा है। तीसरा फेज जो है बांडीपुरा, कुपवारा, बारामूला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कुठवा ये 3 फेजे, इनमें 2 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के रखे हैं और जम्मू के बाकी डिस्ट्रिक्ट रखे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये है कि जम्मू के रीजनों में एक ही टाइम इलेक्शन करवाना सिक्योरिटी की मद्देनजर रखते हुए तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इनको इन डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट को अच्छी तरीके से ब्रेक किया और 90 सीटों के लिए अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजिकली ब्रेक करके इन्हें फेजड मैनर में बनाया है। जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्ट रखे हैं, कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट रखे हैं, चिनाब वैली के 2 डिस्ट्रिक्ट रखे हैं और कश्मीर घाटी के 3 डिस्ट्रिक्ट रखे हैं और इन तीन फेजों में जो इलेक्शन होने वाले हैं इनमें इन्होंने अच्छी तरीके से ग्राफ बना के जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर घाटी के 3 डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक फेज में 5 डिस्ट्रिक्ट कवर करना तो कहीं ना कहीं ये सारा जो है अब देखने वाली ये बात होगी कि जिसका लोगों का इंतजार था और जिस तरीके से लोगों ने पार्लियामेंट में इलेक्शन में हिस्सा लिया। और मोहम्मद मुकरम देखिए तमाम तरह की तस्वीरें लगातार जम्मू कश्मीर यानी कि घाटी से निकलकर सामने आती रही है और चुनाव आयोग के सामने इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती है ये बात इससे भी समझी जा सकती है कि हरियाणा में भी 90 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर महज एक चरण में मतदान हो रहा है और उन्हीं 90 विधानसभा सीटों का अगर जिक्र किया जाए जम्मू कश्मीर की तो 3 फेज में मतदान होना है। लेकिन इस बीच अगर आतंकवाद का जिक्र किया जाए तो आतंकवाद को खात्मा करने के लिए, नेस्त नाबूद करने के लिए अब किस तरह के कदम तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए उठाए जा सकते हैं क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा गर्म मुद्दा रहा जिसको लेकर सियासी तीर एक दूसरे पर छोड़े जाते थे और हाल फिलहाल की घटनाओं से तो हम सभी वाकिफ हैं। जी वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2019 से पहले जो जम्मू रीजन पीर पंजाल रेंज है, चिनाब रेंज था, वो टेररिज्म फ्री इलाका था लेकिन 2019 के बाद जो कोविड आया और 370 हटाया गया है उसके बाद जो जम्मू के रीजन है कुछ और कश्मीर घाटी के पहाड़ी एरिया वहां पर टेररिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसमें एम्बुश अटैक हमने देखने को मिले और जिसमें लगभग हमने आला अफसर भी खोए हैं जिसमें फौज के लगभग 50 से 55 के करीब इन 2 सालों में हमने खोए हैं। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया है कि इन 90 सीटों के लिए इसीलिए 3 फेजों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अभी भी मैं जिक्र कर रहा था कि जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्ट रखे उसमें फर्स्ट फेज में और कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट रखे यानी वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन जो एरिया है और वहां पर जहां कंजेस्टेड हो, जहां पर ज्यादा भीड़ ना हो, जहां पर ज्यादा क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्टों में कंट्रोल करना और उन पे निगरानी रखना वो इन थोड़ी सी आसानी हो जाएगी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और कश्मीर घाटी में 3 डिस्ट्रिक्ट पे निगरानी रखना और वहां पे इन कॉन्स्टिट्यूएंसी सॉरी इन पोलिंग बूथों पे नजर रखना वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कुछ इजी सा हो जाएगा। बिल्कुल और बड़ी चुनौती यहां पर मोहम्मद निकलकर सामने आ रही है क्योंकि जिस तरह से यहां पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।